हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं जनक कुमार। तो इस वीडियो में हम फिर से सील ओसीटी के लिए मेटलर्जी ब्रांच में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम डायरेक्टली शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि वेनेडियम वेन एडेड टू स्टील, जब हम स्टील में वेनेडियम एड करते हैं तो क्या होता है। ऑप्शन है यहाँ पर इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ, डिक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ, रेजेस क्रिटिकल टेम्परेचर या लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब वेनेडियम स्टील में क्या करता है, पहला ऑप्शन क्या दिया है कि स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को, या कम करता है, या जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसको बढ़ाता है या कम करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ना वेनेडियम एक्चुअली में यहाँ पे दो आंसर हो सकते हैं। पहला एक आंसर हो सकता है इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ, और दूसरा आंसर हो सकता है रेज क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। अब मुझे ये पता नहीं है कि सेल ने कौन से आंसर को सही माना है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं दोनों को कि कैसे दोनों आंसर सही हो सकता है। देखिए जब स्टील के अंदर ना कोई भी अलॉइंग एलिमेंट हम मिलाते हैं, है ना, जनरली जब भी हम अलॉइंग करते हैं किसी मेटल में, तो हमेशा ये क्या होता है कि स्ट्रेंथ हमेशा इंक्रीज़ होता है, ठीक है। अलॉइंग करेंगे जब भी तो टेंसाइल स्ट्रेंथ हमेशा इंक्रीज़ होगा, ये मतलब एक थंब रूल है ना। तो आप बोल सकते हो कि स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है। अब दूसरा रीज़न क्या है, ये जो यहाँ पर दूसरा आंसर कैसे सही हो सकता है, ये जो वेनेडियम होता है ना वो एक फेरेटिक स्टेबलाइज़र है, ठीक है। अब देखिए आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जो हर एक जो अलॉइंग एलिमेंट है ना उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक होता है फेरेटिक स्टेबलाइज़र और एक होता है ऑस्टेनिटिक स्टेबलाइज़र, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट जो है फेरेटिक स्टेबलाइज़र होते हैं, कुछ होते हैं जो ऑस्टेनिटिक स्टेबलाइज़र होते हैं। फेरेटिक स्टेबलाइज़र का एग्जाम्पल है जैसे कि आपका क्रोमियम है, टंगस्टन है, वेनेडियम है, नायोबियम है, ठीक है। इसके अलावा एल्यूमिनियम भी है, ये सब क्या है, फेरेटिक स्टेबलाइज़र है, ठीक है। इसमें आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो क्या दिख रहा है आपको, ये क्रोमियम, टंगस्टन, वेनेडियम, नायोबियम, ये तीनों क्या है, बीसीसी स्ट्रक्चर वाले मेटल्स है ना। और फेराइट भी क्या है, बीसीसी है। तो जनरली क्या होता है, बीसीसी मेटल वाले जो अलॉइंग एलिमेंट है ना वो फेरेटिक स्टेबलाइज़र होते हैं, है ना। यहाँ पे एल्युमिनियम एक तरह से अपवाद है, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि एल्युमिनियम का एफसीसी फेज होता है लेकिन तब भी वो फेरेटिक स्टेबलाइज़र है, ठीक है। बाकी ऐसा होता है कि जिसका है ना बीसीसी होता है वही फेरेटिक स्टेबलाइज़र होता है। उसके अलावा ऑस्टेनिटिक स्टेबलाइज़र का एग्जांपल क्या क्या है, ऑस्टेनिटिक स्टेबलाइज़र के लिए आपका निकल है ना, मैंगनीज है, ठीक है। तो उसके अलावा कार्बन भी है, ये तीनों क्या है आपका ऑस्टेनिटिक स्टेबलाइज़र। यहाँ पे देख सकते हो कि निकल, मैंगनीज जो है सब, निकल जो है वो एफसीसी फेज होता है। तो जनरली जो जिस अलॉन्ग एलिमेंट का फेज बोलता हूँ, क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर एफसीसी है ना, तो जनरली ऑस्टेनिटिक स्टेबलाइज़र होते हैं। इसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं, है ना, लेकिन ये होता है कि एफसीसी है तो वो ऑस्टेनिटिक स्टेबलाइज़र होते हैं। अब देखिए स्टेबलाइज़र एक्चुअली में करता क्या है, देखो आपको मैं आयरन कार्बन डायग्राम बना के समझा रहा हूँ। मान लीजिए ये मैं डायग्राम बनाता हूँ, एक मिनट, ये आपको मान लीजिए आयरन कार्बन डायग्राम है, ठीक है। अब देखिए इस आयरन कार्बन डायग्राम में आपको पता है कि इधर टेम्परेचर होता है ना, और इधर होता है कार्बन का कंपोजिशन, ठीक है। और आपको ये पता है कि फेराइट कहाँ मिलता है, ये जो छोटे सीरिया दिख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको मिलता है फेराइट। और ऑस्टेनाइट कहाँ मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है ऑस्टेनाइट, ठीक है। या आप बोल सकते हो ये जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है ना, ये जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है इसके नीचे ही आपको फेराइट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे प्योर फेराइट मिलता है, यहाँ पे फेराइट और सीमेंटाइट दोनों मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दोगे कि ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे ही आपको फेराइट मिलेगा, और इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा भाई, ऑस्टेनाइट मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में फेराइट स्टेबलाइज़र है वो डाल दोगे, जैसे कि वेनेडियम ही ले लो एग्जांपल के लिए, या क्रोमियम ले लो आप, स्टील में बहुत ज़्यादा डाल दिए, तो ये क्या करता है, ये अलॉइंग एलिमेंट ना ये जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है ना इसको इंक्रीज़ कर देता है। ये जो टेम्परेचर है 723 है अभी, इसको इंक्रीज़ कर देगा। जितना आप अलॉन्ग एलिमेंट ऐड करोगे ना, वो 750, 800, 900 तक भी जा सकता है। मतलब आपको 900 डिग्री सेल्सियस में भी फेराइट फेज मिल सकता है, ठीक है। तो ये फेराइट के एरिया को बढ़ा देता है आयरन कार्बन डायग्राम में, है ना। मतलब आपको फेराइट जो है हाई टेम्परेचर और हाई कार्बन कंटेंट में भी आपको फेराइट फेज मिल जाएगा। तो ये फेरेटिक स्टेबलाइज़र ऐसे काम करता है। और ऑस्टेनिटिक स्टेबलाइज़र क्या करता है, ऑस्टेनिटिक स्टेबलाइज़र जो है ऑस्टेनाइट को स्टेबल करता है, ठीक है। नाम से आपको पता चल रहा होगा कि जो ऑस्टेनिटिक स्टेबलाइज़र है ना, यहाँ पे ऑस्टेनाइट है, तो ये इसके एरिया को बढ़ाता है, इसके एरिया को, ये मतलब लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर को डाउन कर देगा,
इससे क्या होगा कि आपको 723 से कम टेम्परेचर में भी आपको ऑक्सीनेट फेज मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो गामा फेज का जो एरिया है ना, जो ऑक्सीनेट फेज का एरिया, इसको बढ़ा देगा, ठीक है। तो इससे फेराइट का एरिया कम हो जाएगा और ऑक्सीनेट का एरिया बढ़ जाएगा, है ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट को अगर देखा जाए तो वेनेडियम को जब हम स्टील में ऐड करते हैं तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर को भी बढ़ाता है, रेज क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं यहाँ पे प्रीफर करूँगा कि आप इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ को टिक लगा दीजिए यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये सेफ आंसर होगा इस केस में, ठीक है। और एक चीज़ और इसके पीछे कॉन्सेप्ट बता दूँ, देखिए मैं क्या आपको काफ़ी सारे एक क्वेश्चन के लिए पूछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताता हूँ, क्योंकि देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन पूछा है तो अगली बार भी पूछा जाएगा, ऐसा बहुत कम चांस होंगे कि ये क्वेश्चन पूछा है तो अगली बार भी पूछा जाएगा, है ना। होगा क्या कि कम्प्लीटली नए क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, लेकिन अगर आपको एक क्वेश्चन से कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं तो इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो आपको बड़ी आसानी से बन जाएगा। इसलिए मैं कोशिश क्या करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ एक ही क्वेश्चन के अंदर में। अब देखो मैंने अभी क्या बताया था कि क्या होता है, फेराइट स्टेबलाइज़र होता है जो फेराइट के एरिया को बढ़ा देता है। तो जो फेराइट स्टेबलाइज़र है ना वो कार्बाइड फॉर्मर एलिमेंट भी होते हैं, जो फेराइट स्टेबलाइज़र है ना उसकी एक और क्वालिटी होती है कि एक कार्बाइड फॉर्मर होते हैं। कार्बाइड फॉर्मर मतलब ये सब मिलके ना, जैसे टंगस्टन ना जनरली क्या करते हैं, कार्बन के साथ मिलके टंगस्टन कार्बाइड बना लेते हैं, है ना। वेनेडियम के साथ मिलके वेनेडियम क्या है, वेनेडियम कार्बाइड बना लेते हैं। क्रोमियम जो है क्रोमियम कार्बाइड बना लेगा, नाइओबियम भी कार्बाइड बना लेगा। तो ये जो कार्बाइड्स जो होते हैं ना वो काफ़ी हार्ड फेजेस होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। तो ये कार्बाइड जितने ज़्यादा होंगे ना स्टील के अंदर, स्टील उतना ही ज़्यादा हार्ड होगा, ठीक है। तो हाई स्पीड जो स्टील होता है ना, जो कटिंग टूल के लिए हम यूज़ करते हैं हाई स्पीड स्टील, उसमें यही सब एलिमेंट मिलाया जाता है, क्योंकि ये सब एलिमेंट क्या करते हैं, कार्बाइड फॉर्म कर लेते हैं। और कार्बाइड क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है, इससे पूरा स्टील जो है क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि स्मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ, स्मेल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है एक्चुअली में ये पूछ रहा है। ऑप्शन दिया गया है, पहला रिमूविंग द इम्प्योरिटीज लाइक क्ले सैंड एक्सेट्रा फ्रॉम दी ओर बाई वॉशिंग विथ वाटर, ठीक है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि स्मेल्टिंग में हम क्या करते हैं, जो भी ओर में जो मिट्टी या कंकड़ होते हैं उसको हम पानी से धो के अलग कर देते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन ये बोल रहा है। दूसरा ऑप्शन में क्या बोल रहा है, एक्सपेलिंग मॉइस्चर कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर एंड आर्सेनिक फ्रॉम दी ओर, इसमें बोल रहा है कि हम ओर से जो मॉइस्चर होता है ना, नमी, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर को अलग करते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन में क्या बोल रहा है, रिड्यूसिंग दी ओर विद द कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लक्स, ठीक है। तीसरा ऑप्शन बोल रहे हैं कि स्मेल्टिंग में हम ओर को रिड्यूस करते हैं कार्बन के साथ, कार्बन के थ्रू रिड्यूस करते हैं, है ना, फ्लक्स के प्रेजेंट में। या ऑप्शन डी है आपका, ऑल ऑफ दिस, मतलब क्या सब कुछ होता है इसमें। तो देखिए यहाँ पे आंसर बहुत ही सिंपल है, स्मेल्टिंग मतलब होता है रिडक्शन। स्मेल्टिंग में दो चीज़ होता है, मेल्टिंग प्लस रिडक्शन। तो यहाँ पर आंसर कौन होगा, सी होगा, ठीक है। क्योंकि स्मेल्टिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ओर का रिडक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ब्लास्ट फर्नेस, तो ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है, उसमें हम आयरन ओर चार्ज करते हैं, आयरन ओर मतलब आयरन ऑक्साइड चार्ज करते हैं, उसका रिएक्शन कराते हैं किससे, कार्बन से, ठीक है। कार्बन क्या करता है, जो आयरन ओर का जो ऑक्सीजन है उसको ले लेता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये रिडक्शन प्रोसेस हो गया, ऑक्सीजन को ले लेता है, मतलब ऑक्सीजन का लेना मतलब क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है आयरन ओर का, तो ये रिडक्शन प्रोसेस है, ठीक है। कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे काम करता है। और इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लक्स, आपको फ्लक्स डालना पड़ेगा, क्योंकि जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो कैसे रिमूव होगी, वो फ्लक्स में ही, फ्लक्स मिलाओगे तो वो स्लैग बना के बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर सी जो है वो राइट होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एक मिनट। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन स्टील इज मोस्टली यूज्ड फॉर, मतलब सिलिकॉन स्टील जनरली कहाँ यूज़ होता है। ऑप्शन है कनेक्टिंग रॉड्स, कटिंग टूल्स, या जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेटेड कोर्स, या फिर मोटर कार क्रैंकशाफ्ट। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन सी, जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेटेड कोर, ठीक है। तो जो सिलिकॉन स्टील होता है ना उसको हम लोग ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं, इसका याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। जनरली स्टील के अंदर जनरली 4% जब सिलिकॉन मिलाते हैं ना तो इसकी प्रॉपर्टी जो है बहुत अच्छी हो जाती है ट्रांसफार्मर के लिए, कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वगैरह इसमें कुछ जनरेट होता है, है ना। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता कि एक्चुअली में क्या प्रॉपर्टी जनरेट करता है ये, बट जब हम स्टील के अंदर ना 4% सिलिकॉन मिला देते हैं तो वो वैसा स्टील को हम जनरली कहाँ यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर में,
ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना, सिलिकॉन स्टील कहाँ यूज़ होता है, ट्रांसफार्मर में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द टाइप ऑफ स्पेस लेटिस फाउंड इन अल्फा आयरन इज, है ना, ये बोल रहा है कि अल्फा आयरन में कौन सा स्पेस लेटिस होता है ना। यहाँ पे देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि ये, मतलब क्वेश्चन में ये ऐसे नहीं पूछ रहा है कि अल्फा आयरन का कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा आपको मतलब वर्ड में चेंज कर दिया कि कौन सा स्पेस लेटिस होता है ना। एक्चुअल में पूछ वही रहा है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है अल्फा आयरन का, ठीक है, बस पूछने का तरीका थोड़ा अलग है ना। देखिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्पेस लेटिस, मतलब FCC कोई बता रहा है FCC स्ट्रक्चर को। दूसरा बोल रहा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्पेस लेटिस, मतलब ये BCC बोल रहा है। तीसरा क्या है, क्लोज्ड पैक्ड हेक्सागोनल स्पेस लेटिस, मतलब ये HCP को बोल रहा है, ठीक है। तो आप सबको पता है, बहुत ही सिंपल आंसर है, अल्फा आयरन का कौन सा फेस होता है, BCC होता है, ठीक है, इसको हम लोग फेराइट भी बोलते हैं, तो अल्फा आयरन का फेज होता है BCC। वैसे ही गामा आयरन जिसको ऑस्टेनाइट बोलते हैं उसका क्या होता है, उसका होता है FCC, ठीक है। और मार्टेनसाइट का क्या होता है, मार्टेनसाइट का होता है BCT, ठीक है, बॉडी सेंटर टेट्रागोनल। और सीमेंटाइट का क्या होता है, सीमेंटाइट का आपका होता है ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। ये सब चीज़ों को याद रखो क्योंकि ये जनरली कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन एग्जिस्ट एट 910 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो कौन सा आयरन एग्जिस्ट करता है 910 डिग्री सेल्सियस में। ऑप्शन है अल्फा आयरन, बीटा आयरन, गामा आयरन या डेल्टा आयरन, ठीक है। तो आयरन कार्बन डायग्राम में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आयरन कार्बन डायग्राम में क्या होता है, अगर आयरन प्योर हो, ठीक है, ऐसे आयरन कार्बन हम डायग्राम बना लेते हैं। आपको पता है आयरन कार्बन डायग्राम में कि 910 डिग्री सेल्सियस, अब देखो यहाँ पे कार्बन की बात नहीं की जा रही है ना, यहाँ पे केवल आयरन बोल रहा है, तो आप किस लाइन पे फोकस करोगे, यहाँ पे जहाँ पे 0% कार्बन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केवल बात हो रही है आयरन की, कार्बन इसमें बिल्कुल नहीं है। तो अगर केवल आयरन की बात करें तो आयरन में ना 910 डिग्री सेल्सियस तक कौन सा फेज होता है, 910 तक होता है आपका अल्फा आयरन फेराइट फेज होता है, ठीक है। और 910 से लेकर के फिर 1394 तक आपका क्या होता है, गामा फेज होता है, मतलब ऑस्टेनाइट फेज होता है। उसके बाद 1394 से ना 1539 तक आपका होता है डेल्टा फेज, डेल्टा फेराइट, ठीक है। तो वहाँ पे आपको आंसर मिल गया होगा 910 डिग्री सेल्सियस में कौन सा एग्जिस्ट करेगा, तो आंसर होगा आपका अल्फा आयरन, ठीक है। यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, ये अल्फा आयरन, ठीक है, ये बीटा आयरन ऐसा कुछ तो भी है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पारलाइट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, पारलाइट में क्या होता है। ऑप्शन ए है 13% कार्बन और 87% फेराइट, या फिर 13% सीमेंटाइट और 87% फेराइट, है ना, या फिर 13% फेराइट और 87% सीमेंटाइट, या फिर 6.67% कार्बन एंड 93.3% आयरन। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, आपको ऑप्शंस को इलिमिनेट करते जाना है। इलिमिनेट मतलब ये आंसर गलत होगा। आपको ऐसे कई बार कई क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट होते हैं ना, आपसे बनता नहीं है, तो आप इलिमिनेशन मेथड यूज़ करो, मतलब जो ऑप्शंस है ना उसको पहले इलिमिनेट करना चालू करो कि यानी ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है, ठीक है, फिर उसके बाद ये इलिमिनेट करो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कौन सा आंसर आपका सही हो सकता है, ठीक है। तो वही आइडिया यहाँ पे थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा। अब देखो बोला कि परलाइट में क्या क्या होता है, इसमें बोला कि 13% कार्बन होता है और 87% फेराइट। तो देखिए भाई 13% कार्बन तो किसी भी स्टील में नहीं होता है, है ना, कास्ट आयरन में भी मैक्सिमम 4% तक हो सकता है, इसके अलावा हम कार्बन ऐड करते ही नहीं है, तो यहाँ पे आंसर गलत है, 13% वाला कार्बन हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है 13% सीमेंटाइट और 87% फेराइट, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बाद में देखते हैं, एक्चुअली में सही आंसर यही है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब इलिमिनेशन मेथड थोड़ा सीख रहे हैं, तो देखो तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि 13% फेराइट और 87% सीमेंटाइट। अब देखिए अब पारलाइट जो होता है ना, पारलाइट जो है आपका कब मिलता है, 0.8% कार्बन में, तो 0.8% कार्बन में आपका 87% सीमेंटाइट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सीमेंटाइट में आपका बहुत सारा कार्बन होता है, 6.67% कार्बन, तो उस केस में 87% सीमेंटाइट जो है 0.8% कार्बन से आपको नहीं मिल सकता, तो ये भी आंसर आपका गलत हो गया, है ना। ऑप्शन डी में देखो, ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है, 6.67% कार्बन। अब आपको पता है कि 6.67% कार्बन है ना तो किसी स्टील में होता नहीं है, वो तो मैक्सिमम लिमिट है सीमेंटाइट का, 100% सीमेंटाइट होगा उस केस में अगर इतना परसेंट कार्बन हो गया, तो ये भी आंसर आपका गलत है। तो आपका सही आंसर क्या है, 13% सीमेंटाइट एंड 87% फेराइट,
हाँ 13% सीमेंटाइट और 87% फेराइट। इसको इसका आंसर ना आप लीवर रूल से भी निकाल सकते हो, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लीवर रूल में क्या होता है, लीवर रूल में आपको जैसे कि मैं आयरन कार्बन डायग्राम बना के बताता हूँ, केवल नीचे का पोर्शन आपको बना रहा हूँ मैं आयरन कार्बन डायग्राम का। आपको पता है कि यहाँ पे आपका 0.8% कार्बन में क्या होता है, आपका परलाइट होता है 100% परलाइट। तो 0.8% कार्बन में अगर आपको ये पता करना है कि कितना इसमें फेराइट है और कितना सीमेंटाइट है, तो आप क्या करोगे, लीवर रूल अप्लाई करोगे। इस लाइन के ना जस्ट नीचे आप क्या करोगे, लीवर रूल अप्लाई करोगे। एक जस्ट नीचे आप क्या करोगे, एक और पैरेलल लाइन खींच दोगे। इस लाइन के जस्ट नीचे आप क्या करोगे, एक और पैरेलल लाइन ऐसे खींच दोगे, ठीक है। अब देखोगे कि यहाँ पे तो आपको पता है 0.8% कार्बन है और यहाँ पे कितना है कार्बन, तो यहाँ पे होता है 0.025%, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या होता है, मतलब ये जो लाइन खींचोगे ना वो कहीं ना कहीं से जाके मिलना चाहिए, इसके जस्ट पैरेलल जो लाइन खींचो ना वो कहीं ना कहीं पे मीट होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना परसेंट कार्बन है, यहाँ पे है 6.67% कार्बन, ठीक है। अब आपको मान लीजिए ये पता करना है कि इस कंपोजिशन में कितना फेराइट होगा और कितना सीमेंटाइट होगा, है ना। तो आप क्या करोगे, लीवर रूल अप्लाई करोगे। तो लीवर रूल क्या बोलता है कि अगर आपको परसेंटेज फेराइट यहाँ पे आपको पता करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर आपका फेराइट है, ध्यान दो, इधर आपका फेराइट है, तो आपको क्या करोगे, ये जो लेंथ होगा, ये जो लेंथ होगा दूसरी तरफ का जो लेंथ होगा, डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, ये आपका क्या आ जाएगा, फेराइट का परसेंटेज आपका निकल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, इस लाइन को मैं जब मैंने खींचा था इधर कितना था, 0.025% था, इधर आपका क्या था, फेराइट, ये आपका कंपोजिशन है 0.8% वाला, और इधर आपका क्या है, सीमेंटाइट। तो अगर मुझे क्या निकालना है, फेराइट का परसेंटेज, तो परसेंटेज ऑफ फेराइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका लेंथ, इसका लेंथ कैसे निकालोगे, 6.67 माइनस 0.8, है ना, इसका लेंथ निकल जाएगा। उसके बाद टोटल लेंथ कितना होगा इसका, 6.67 माइनस यहाँ पे कितना है कार्बन, यहाँ पे है 0.025%, यहाँ पे है 0.025%। जब आप ये निकालोगे ना, तो आपका खुद ही जो फेराइट का अमाउंट आ जाएगा लगभग लगभग 87%, ठीक है। इसको 100 से माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, सीमेंटाइट का परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए ये मैंने आपको लीवर रूल क्यों बताया, क्योंकि आप अब इस कॉन्सेप्ट का उपयोग ना किसी और क्वेश्चन में भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, जब क्वेश्चन अगर कोई बदल के देगा तो आप आसानी से इस मेथड से आप निकाल सकते हो आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ सैंपल ऑफ स्टील शोज एक्सेसिव हार्डनेस आफ्टर टेम्परिंग, दी प्रोबेबल कॉजेज, मतलब बोल रहा है कि जब हम टेम्परिंग करते हैं, ठीक है, आप सबको पता होगा कि टेम्परिंग कब करते हैं भाई, जब हम लोग क्वांचिंग करते हैं ना, जब हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं, तो मेटल बहुत हार्ड और ब्रिटल हो जाता है, तो उसके ब्रिटलनेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं। टेम्परिंग में हम मेटल को थोड़ा सा हीट करते हैं, ठीक है, और उसको स्लोली कूल करते हैं, इससे जो ब्रिटलनेस है ना वो दूर होता है, स्टील में टफनेस आता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जब हम लोग ने टेम्परिंग किया, तो टेम्परिंग के बाद बहुत ज़्यादा हार्डनेस शो हो रहा है, मतलब टेम्परिंग करने के बाद भी हार्डनेस में ज़्यादा कुछ कमी नहीं आई है, है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड उसमें हार्डनेस उसमें बना हुआ है, तो क्या कॉज हो सकता है। ऑप्शन देखो, इनसफिशियंट होल्डिंग टाइम इन टेम्परिंग, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन है, एक्सेसिव प्रपोर्शन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट, या फिर हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग टेम्परिंग, या फिर चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग कूलिंग। अब देखिए भाई, हार्डनेस टेम्परिंग के टाइम पे कब कम होगा, जब आप ज़्यादा टेम्परेचर दोगे, टेम्परेचर हाई रखोगे और ज़्यादा टाइम तक उस टेम्परेचर में आप रखोगे, तब हार्डनेस कम होता है। तो देखो, तो यहाँ पे ऑप्शन आप हटाते जाओ, हाई टेम्परेचर तो हो नहीं सकता, क्योंकि टेम्परेचर अगर हाई रखोगे तो हार्डनेस आपका कम हो जाएगा, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है हार्डनेस से, है ना। उसके अलावा ऑप्शन जो बी है, एक्सेसिव प्रोपोर्शन ऑफ अलॉन्ग एलिमेंट, ये भी आंसर सही नहीं है, यहाँ पे अलॉन्ग एलिमेंट का ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है। ऐसा होता है कि जनरली अलॉन्ग एलिमेंट का, देखो अलॉन्ग एलिमेंट का ज़्यादा यहाँ पे मतलब नहीं है, तो यहाँ पे आंसर जो है ये वाला होगा, ए, इनसफिशियंट होल्डिंग टाइम इन टेम्परिंग, मतलब इनसफिशियंट टाइम, मतलब आप ज़्यादा टाइम तक टेम्परिंग नहीं कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, अगर आप ज़्यादा टाइम तक टेम्परिंग नहीं करोगे ना, तो ब्रिटलनेस कम नहीं होगा और हार्डनेस भी कम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि टेम्परिंग के समय में क्या होता है, कुछ मार्टेनसाइट जो है ना, फेराइट और सीमेंटाइट में थोड़ा बहुत कन्वर्ट होता है, तो अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं दोगे तो ये कन्वर्जन हो नहीं पाएगा, और हो नहीं पाएगा तो आपका वहाँ पे हार्डनेस जो है वो कम नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ए, इनसफिशियंट होल्डिंग टाइम इन एनीलिंग, सॉरी इन टेम्परिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ,
ब्रॉन्ज किसका अलॉय है? कॉपर एंड जिंक, कॉपर टीन एंड जिंक या नन ऑफ दिस? तो आंसर है यहाँ पे कॉपर और टीन। ठीक है, ब्रॉन्ज जो है कॉपर और टीन का अलॉय है, और ब्रास जो होता है वो होता है कॉपर और जिंक का अलॉय। ठीक है, तो ये देखिए अलॉय से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फेरस और नॉन फेरस अलॉय का बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो आपको पूरा ये देख लेना है कि फेरस कौन अलॉय कौन सा है, नॉन फेरस का अलॉय कौन सा है ना, उसमें कॉम्पोजिशन क्या रहता है, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ये फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, व्हेन ए मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू फ्लक्चुएटिंग और रिपीटेड स्ट्रेस, फ्रैक्चर टेक्स प्लेस अंडर ए स्ट्रेस हुज मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, देन फिनोमिना इज नोन एज। देखो क्वेश्चन बहुत लंबा है, मैं आपको हिंदी में इसका मीनिंग समझा देता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है जब हम मटेरियल को फ्लक्चुएटिंग लोड देते हैं या रिपीटेटिव लोड देते हैं। ठीक है, रिपीटेटिव लोड मतलब कभी इस मान लीजिए इस मेटल पार्ट में कभी ज़्यादा लोड लग रहा है, कभी कम लग रहा है, या कभी लग ही नहीं रहा है, कभी ज़्यादा लोड कम ज़्यादा लोड, मतलब आपका फ्लक्चुएटिंग लोड लग रहा है, इसे कम ज़्यादा लोड लग रहा है, इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग लोड। तो फ्लक्चुएटिंग लोड जब लगता है ना किसी मेटल में, तो जनरली वो बहुत पहले ही फेल हो जाता है, मतलब उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है ना, उस स्ट्रेंथ से बहुत कम लोड में ही वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है मेटल। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, क्रीप, फटीग, इम्पैक्ट या मेलेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा फटीग। ठीक है, जहाँ पे भी आपको ये शब्द दिखे ना, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस, रिपीटेटिंग स्ट्रेस या साइक्लिक स्ट्रेस या साइक्लिक लोड वगैरह जो शब्द दिखे ना, मतलब वहाँ पे मान लो कि वो है फटीग की वहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, फटीग का बहुत अच्छा एग्जांपल है गाड़ी के चक्के। ठीक है, चाहे मोटरसाइकिल हो या कार के चक्के हो, आपको पता है ऐसे रहता है ना। ठीक है, तो क्या होता है जब गाड़ी चलती है ना, तो अगर गाड़ी का जो चक्का है वो ऐसे पोजीशन में, तो अभी लोड कौन बियर कर रहा है, ये वाला जो है ना, ये जो है ये अभी लोड बियर कर रहा है। ठीक है, ये वाला हिस्सा, और इसमें अभी कोई लोड नहीं लग रहा है, इस वाले पोर्शन पे अभी कोई लोड नहीं लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा लोड लग रहा है। अब ये जब घूम के आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आ जाएगा इस पोर्शन पे, तो अब पूरा लोड किस पे लगेगा, इस वाले पे लगेगा, और इस पे बिल्कुल भी लोड नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीटेटिव लोड हो रहा है, अभी लोड ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फटीग। ये फटीग का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, फटीग में क्या होता है, मेटल जल्दी फेल हो जाता है ना। उसके अलावा इसके बारे में भी बता देता हूँ, क्रीप के बारे में। क्रीप क्या होता है, क्रीप को बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, क्रीप में क्या होता है, अगर आप किसी मेटल पे ना कोई कांस्टेंट लोड अप्लाई करके रख देते हो। ठीक है, मान लीजिए ये मेटल है, इसमें मैंने 10 केजी लोड अप्लाई करके छोड़ दिया, बहुत दिनों के लिए छोड़ दिया, तो इसमें जो डिफॉर्मेशन होगा ना, इसको बोलेंगे क्रीप डिफॉर्मेशन। इसको टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन होते हैं, क्योंकि टाइम के साथ इसमें डिफॉर्मेशन होता है, बहुत समय लगता है। ठीक है, उसके बाद इम्पैक्ट। देखो इम्पैक्ट आप सबको पता होगा, इम्पैक्ट मतलब जब हम किसी चीज़ में लोड लगाते हैं बहुत कम समय के लिए, जैसे किसी चीज़ को धक्का मारना हो। ठीक है, हाँ थोड़ा मार दिए किसी मेटल में, तो इसको बोलेंगे इम्पैक्ट, इम्पैक्ट लोड। ठीक है, इसको इम्पैक्ट लोड। इम्पैक्ट लोड में भी जनरली ना मेटल जो है बहुत पहले फ्रैक्चर हो जाता है। जब आप किसी मेटल में इम्पैक्ट लोड लगाते हो ना, तो मेटल जो है वो ब्रिटल की तरह बिहेव करता है। डक्टाइल मेटल में भी अगर आप इम्पैक्ट लोड लगा दिए, तो डक्टिलिटी शो नहीं करेगा, वो सीधा ना ब्रेक हो जाएगा, मतलब ब्रिटल हो जाएगा वो। ठीक है, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या है, एक प्रॉपर्टी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी मेटल की। मेलेबिलिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ मेटल टू फॉर्म इन थिन शीट्स। मतलब अगर कोई मेटल को आप पतले शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब उसकी मेलेबिलिटी जो है वो अच्छी है। ठीक है, तो इस तरह से देखो बहुत सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, स्ट्रेंथ है, हार्डनेस है, ठीक है, मेलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है, ये सारी चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए कि एक्चुअली में ये सब प्रॉपर्टीज़ है क्या, इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि उससे जनरली क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी से, एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहा है द कटिंग टूल आर मेड फ्रॉम, कटिंग टूल भाई किससे बनता है, निकल स्टील से, क्रोम स्टील से, निकल क्रोम से या हाई स्पीड स्टील से? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका हाई स्पीड स्टील। ठीक है, क्योंकि हाई स्पीड स्टील होता है ना, उसका हार्डनेस बहुत ज़्यादा होता है। अभी मैंने जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले, इसमें कार्बाइड फॉर्मिंग एलिमेंट डाल देते हैं जो कार्बाइड बना लेता है, और वो स्टील के हार्डनेस को बढ़ा देता है। ठीक है, तो हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल के लिए काम आता है, इसका हार्डनेस ज़्यादा है, तो ये आसानी से किसी और चीज़ को काट सकता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि द मेलेबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाई वर्च्यू ऑफ विच ए मटेरियल। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी का मतलब क्या है।
ठीक है, आपको यहाँ पे आपको बताना है मेलेबिलिटी मतलब क्या है। अब देखो, अभी मैंने जस्ट पहले बताया था कि मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है, तो आप लोग इसका आंसर खुद से दो, ठीक है। कमेंट सेक्शन आप इसका आंसर लिख के बताओ कि ए बी सी डी में कौन सा आंसर इसका सही है मेलेबिलिटी का, ठीक है। इसका आंसर मैं अभी नहीं दूंगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दी अलॉइंग एलिमेंट विच इंक्रीजेस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म एंड कोर्सिव मैग्नेटिक फोर्स इन स्टील फॉर मैग्नेट इज, मतलब ये बोल रहा है कि वो कौन सा अलॉइंग एलिमेंट है जो स्टील में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म और कोर्सिव मैग्नेटिज्म को बढ़ाता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है क्रोमियम, निकिल, वैनेडियम या कोबाल्ट, तो यहाँ पे देखो राइट आंसर है कोबाल्ट, ठीक है। अगर जनरली आपको ये पूछा जाए कि ना स्टील में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कौन इम्प्रूव करता है, तो वहाँ पे आप आंसर लगा सकते हो कोबाल्ट, ठीक है। कोबाल्ट जनरली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करता है। वैसे आपको देखो हर अलॉइंग एलिमेंट का क्या क्या रोल होता है स्टील में, वो क्या बढ़ाता है क्या घटाता है, हर चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखा है फंक्शन ऑफ अलॉइंग एलिमेंट, उसको भी आप देख सकते हो। ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ना जनरली एक रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। अभी कोबाल्ट के बारे में पूछ दिया, किसी एग्जाम में किसी और अलॉइंग एलिमेंट का पूछ दिया जाएगा, तो ये कॉमन क्वेश्चन है, आपको ये सब पूरे याद होने चाहिए हर अलॉइंग एलिमेंट के फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18.4.1 हाई स्पीड स्टील कंटेंट्स, मतलब 18.4.1 एक ग्रेड का स्टील आता है, हाई स्पीड स्टील आता है ना, तो इसमें 18.4.1 का क्या मतलब है। ऑप्शन है यहाँ पे वैनेडियम 4%, क्रोमियम 18%, टंगस्टन 1%, है ना, वैनेडियम 1, क्रोमियम 4 या टंगस्टन 18 या वैनेडियम 18, क्रोमियम 1, टंगस्टन 4 या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है आपका 18 मतलब होता है 18%, टंगस्टन 4 मतलब होता है 4%, क्रोमियम और 1 मतलब होता है 1% वैनेडियम, ठीक है। तो वहाँ पे आंसर कौन सा हुआ भाई, आंसर आपका हुआ आंसर यहाँ पे ये वाला हुआ बी, यहाँ पे आपका आंसर हुआ टंगस्टन 18%, क्रोमियम 4% और वैनेडियम 1%, ठीक है। ऐसे ही देखो कुछ फेमस स्टील ग्रेड है, जैसे 18.8 एक है, 18.8 स्टेनलेस स्टील बोलते हैं, जिसमें 18% क्रोमियम 8% निकल होता है। वैसे कुछ फेमस स्टील ग्रेड होते हैं, है ना, जिसके इस तरह से नाम होता है, तो उन सबको याद रखना चाहिए, ठीक है, एग्ज़ाम वगैरह में ये सब जनरली आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एमॉर्फस मटेरियल, इसमें से कौन सा जो है वो एमॉर्फस मटेरियल है, माइका, सिल्वर, लेड या फिर ग्लास, ठीक है। इसका आंसर बहुत सरल है, इसका आंसर आपका ग्लास, ठीक है। देखो एमॉर्फस मटेरियल किसको बोलते हैं, एमॉर्फस मटेरियल मतलब वो मटेरियल जिसका कोई फिक्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है, उसको एमॉर्फस बोलते हैं। तो यहाँ पे ग्लास का जो है वो कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता है ना। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर से भी बहुत सारे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, है ना। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है, कौन कौन सा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपका होता है BCC, FCC और HCP, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जो 90% जो मेटल है ना, उनका स्ट्रक्चर इन्हीं तीनों में से कोई एक होता है, मैक्सिमम मेटल का, सबका नहीं होता है, ठीक है। तो इन तीनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर का ना आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे इसका नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम क्या है, इसका पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, हाँ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ठीक है, किसमें ज़्यादा डक्टिलिटी होती है, किसमें कम डक्टिलिटी होती है, ठीक है, किसमें ज़्यादा कार्बन घुलता है, किसमें कम घुलता है, ये सब सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इनसे ना जनरली क्वेश्चन आते ही आते हैं, 100% आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका सबका एग्जांपल पता होना चाहिए, BCC कौन से एलिमेंट का स्ट्रक्चर BCC होता है, किसका FCC और किसका HCP होता है, ठीक है, ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट दो क्वेश्चन हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि टाइप ऑफ स्पेस लेटिस फाउंड इन गामा आयरन। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत सरल है, बस शब्दों का खेल है यहाँ पे। ये बोल रहा है कि गामा आयरन में कौन सा स्पेस लेटिस होता है, मतलब सिंपल सी बात है कि ये पूछ रहा है कि गामा आयरन का कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है गामा आयरन का, ये सीधे सीधे पूछ रहा है, ठीक है। तो गामा आयरन का ऑप्शनेट भी बोलते हैं, इसको याद रखना। ऑप्शन यहाँ पे क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्पेस लेटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्पेस लेटिस, क्लोज पैक्ड हेक्सागोनल स्पेस लेटिस या एनी ऑफ दी अबोव, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल आंसर भाई, आप सबको पता होगा गामा आयरन का कौन सा फेज होता है, इसका होता है FCC फेज, मतलब आंसर कौन सा होगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्पेस लैटिस, ठीक है, बस शब्द बदल दिए हैं, बाकी मीनिंग वही है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर पूछ रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एटम इन FCC यूनिट सेल इज,
ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, एक्चुअली इसका आंसर ये होना चाहिए, नंबर क्वेश्चन ये होना चाहिए नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इन एब्सिसी यूनिट सेल। ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पे 2, 3, 4 या 6। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका 4। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम एब्सिसी में कितना होता है? 4 होता है। बीसीसी में कितना होता है? बीसीसी में 2 होता है। ठीक है, और सिंपल क्यूबिक में कितना होता है? सिंपल क्यूबिक में आपका होता है 1, है ना। एचसीपी में कितना होता है? एचसीपी में आपको होता है 6। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। अब कैसे होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, आप लोग जाओ जाके पढ़ो, ओके, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो ओके, ये था इस वीडियो का एंड। थैंक यू सो मच ऑल।